स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, एक्सरसाइज 8.1 क्लास 9 सब्जेक्ट में। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, किन का हमने ग्राफ ड्रा करना है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है x इक्वल टू -3। अब इसको आपने ग्राफ पर शो करना है, तो यहाँ हमने ना इसका पहले ग्राफ बनाएंगे। यहाँ कहते हैं हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ठीक है, इसको हम लिखते हैं एक्स और ये हमारे पास एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है। ठीक है, जहां पे दोनों आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करते हैं आपका आर्गिक पॉइंट है, इसको हम पोस्ट जो करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू 0 और वाई की हमारे पास 0 है। अब इस साइड पे हमारे पास ना एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यहाँ खुद ही स्केल जब हम इसका जब हम चूज करते हैं कि 1, फिर सेम आप डिस्टेंस रखें 2, फिर 3, फिर 4 एंड सो ऑन। इस साइड हमारे पास वैल्यू नेगेटिव हो गया एक्स की, -1, -2, -3। अब ये आप नंबरिंग कहाँ तक लिखनी है वो डिपेंड करता है कि आपकी दी हुई वैल्यू से एक्स की -3 है ना, तो आपने -3 तक कम से कम आपने वैल्यू जो ड्रा कर दी। यहाँ पर हमारे पास वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। साइड पर वाई की वैल्यू होगी -1, -2 एंड -3। अब हमें ड्रा करना है एक्स इक्वल टू -3, तो ये साइड हमारे पास एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो ये हमारे पास कह सकते हैं एक्स -3 है। तो यहाँ पे डॉट लगा दें और स्केल से एक लाइन आप इसके ऊपर ड्रा कर देंगे। ठीक है, इस तरह तो ये हमने कह सकते हैं कि एक्स इक्वल टू -3 को जो है वो ग्राफ पर ड्रा कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट है वाई इक्वल टू -3। अब इसको ड्रा करना है आपने, सेम वही मेथड है कि आप इसके पहले ग्राफ एक बनाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, एक्स एंड एक्स डैश। उसके बाद ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये वाई है और ये वाई डैश है। यहाँ पे दोनों कह सकते हैं कि आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करते हैं, वो आपका आर्गिंग पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं +1, +2, +3। इस साइड पे -1 एक्स की वैल्यू, -2 और -3। इस साइड पे एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू +1, वाई की वैल्यू +2, वाई की वैल्यू +3। साइड पे वाई की वैल्यू -1, -2 एंड -3। अब आप ड्रा कर रहे हैं y इक्वल -1, तो ये -1 है। यहाँ पे डॉट लगा के आप ऐसे एक लाइन कैसे के ड्रा कर दोगे, आप तो यहाँ पे लिखा है y इक्वल टू -1। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है सेवन है, तो y इक्वल टू 3 है। इसका हमने ड्रा या वो इन नंबर्स को हमने कह सकते हैं कि ग्राफ को ड्रा कर देंगे। ठीक है, यहाँ हमारे पास सिंपल एक आपकी वेरिएबल था एक्स का, वाई था, एक ही वैल्यू थी। अब यहाँ दो आपके वेरिएबल आ गए और इक्वेशन भरी हुई है, तो आपने अब करना क्या है, इनका पहले आप ना इनका बनाएंगे हम एक टेबल पहले। मेथड क्या है, इसको नाम दें वाई इक्वल टू 3x, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, अब लिखना है पुट एक्स इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ पे एक्स हम 0 पुट करते तो आएगा y इक्वल टू 3 × 0, 3 × 0 = 0 आएगा। उसके बाद हम पुट करते हैं x = +1, पुट x = +1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट को आएगा y = 3 × 1, जहाँ पे एक्स हम 1 लिखना है। अब 3 मान सर क्या आएगा, 3 आएगा। उसके बाद पुट x = 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो आएगा y = 3 × 2, 3 × 2 का क्या आएगा, यहाँ हमारे पास 6 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बनाना है टेबल जी, इस तरह आएगा हमारे पास लिखा है, अगर आपने ऐसे ना एक टेबल बनाना है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि वैल्यू एक्स है, ये वाई है, एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास ये पुट की है 0 है, तो वाई पास क्या है वो भी 0 है। उसके बाद एक्स की वैल्यू क्या पुट की है वो 1 है, और पुट करने से वाई पास क्या है वो हमारे पास 3 है। उसके बाद एक्स की वैल्यू क्या पुट की है 2 है, और वाई पास क्या है हमारे पास वो
6 है, ठीक है। अब आपने ना, अब आपने इसका इसको ग्राफ को ड्रा करना है। यहां बनाते हैं ग्राफ। ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास भी y एक्सिस है। ये x और ये x डैश है, ये y और ये y डैश, ठीक है। अब यहां पे देखना है हमारी कहां तक वैल्यू है, 6 तक वैल्यू है। तो यहां आपका एंड पॉइंट होगा, यहां पे वैल्यू प्लस 1 2 3 4 5 एंड 6। इस साइड में हमारे पास वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। इस साइड में वैल्यू हमारे पास की 1 2 3 4 5 एंड 6। इस साइड में नेगेटिव वैल्यू का y -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। अब यहां जो हमने पहला जो पॉइंट ड्रा करना है वो 0 0, x की वैल्यू 0 है, y की, तो आप ये पॉइंट होगा जहां पे दोनों मीट करते हैं वहां पे आप एक सर्कल ड्रा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू प्लस 3, x की वैल्यू प्लस 1 है और y की प्लस 3। देखें ये x की वैल्यू प्लस 1 है, अब y की डायरेक्शन बिल्कुल स्ट्रेट जाए यहां, और जहां पे 3 की वैल्यू होती है y की, वहां पे एक आपको इसके बिल्कुल स्ट्रेट, इसके बिल्कुल स्ट्रेट वहां पे कह सकते हैं कि आप सर्कल लगा देंगे, एक डॉट लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास x की वैल्यू 2 है और y 6 है, x की वैल्यू 2 और y 6, तो बिल्कुल स्ट्रेट जाने हैं आपने वो आपको यहां पे, ठीक है। x की वैल्यू 2 है और y हमारे पास 6 है, ठीक है। अब इन तीनों डॉट्स को मिलाएंगे हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो इस तरह कह सकते हैं हम ये जो लाइन है y की और 3x, इसको हमने ग्राफ को ड्रा दिया हो कर दिया है, ठीक है। अब यहां पे जो आपने पॉइंट आपने ड्रा किया है वो आप लिख सकते हैं कि यहां पे ड्रा किया है 1 एंड 3, यहां पे ड्रा किया हमने x की वैल्यू 2 और y 6, और यहां ड्रा किया हमने 0 एंड 0, यानी x की वैल्यू 0 y 0। इसका अगर आप डिराइव करना होगा एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 करना है, 2 3 उसके बाद 7 एंड 8। आपने इनका मेन की प्रैक्टिस करनी है और इनको आपने नोट करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।